बिस्मिल्ल रहीम माई डियर स्टूडेंट्स रोबी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टिड आर लेक्चर विद द वेरी ब्यूटीफुल होली प्रॉफिट और आपको याद है कि हमने लेक्चर नंबर नाइन में कल हमने अपने वाइट बोर्ड पर बहुत डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया था वर्ट द प्रोसेस ऑफ फॉसफॉर रिलेशन और यू नो वेरी वेल के हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी वन ऑफ़ दैम वॉज साइक्लिक फॉसफॉर एंड अदर वन वॉज नॉन साइक् फॉर्सफर रिलेशन अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं एक एनिमेशन के एनिमेशन यस माइड स्टूडेंट्स नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ व्हाट लाइट रिएक्शन दैट इज पॉस नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ऑन दिस एनिमेशन राइट सो यू कैट दिस दिस पर्टिकुलर प्लानव गॉट मैनी एंड एनी प्रोसेस आर टेकिंग टेकिंग प्लेस इन वन लीफ इज टेकिंग प्लेस इन ऑल लीव्स ऑफ द प्लांट बमकर कह रहे हैं कि हम मेरे पास किसी एक लीफ को सेलेक्ट कर रहे हैं नाउ यू यू सी कि आई एम गोइंग टू जूम इन टू द लीफ जब मैं लीफ के अंदर मूव किया हूँ तो मुझे कहना चाहिए यहाँ पे दो डिफरेंट किस्म के मीजो फेस एक अपर सरफेस पे हैं यहाँ पर सर्फिस के बहुत क्लोज हैं और ये हमारे एपिडर्मिस के परपेंडिकुलर लाए कर रहे हैं और इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं हमारे स्टूडेंट्स पैलीसेल्स और अगर हम इसके नीचे वाली साइड पर ज़रा गौर करते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो सेल्स हैं वो लूजली पैक हैं और इन लूजली पैकड ओवल शेप सेल्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं स्पंजी स्पजल सेल्स अब इन दोनों सेल्स में एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी बेस्टोव विद क्लोरोप्लास्ट और अब हम क्या करेंगे हम इनमें से किसी एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जूम करें तो जब मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन्हें जूम किया तो मुझे ये पता चला स्टूडेंट्स के इसकी दो मेम्बरेन्स है राइट यू नो वेल बहुत दफा आपने ये बात पढ़ी है कि क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास दो मेम्बरे होती है तो तो के जब मैं इन दोनों मेम्बरेन्स को हटा के क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड मूव कर रहा हूँ लुक एट दिस व्हाट इज हैपनिंग आई एम मूविंग इन टू अस और ये जो बहुत बड़ी स्पेस है इसे हम क्या देते हैं राइट अब अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊ की आप एक क्लास में बैठे हुए हैं राइट तो आप जिस क्लास में बैठे हैं जिस कैविटी में बैठे हैं दैट इज सराउंडेड बाई अ फोर साइडेड वॉल एंड दे रूफ उस पर्टिकुलर तो कैविटी का नाम क्या है स्ट्रोमा और फर्श रहता है हमारे स्टूडेंट्स की आप लोगों के पास डिफरेंट क्या लगी हुई है चेयर्स जाहिर है वो चेयर जो कैटी में रखी हैं जिसे हम जिससे हम क्लासरूम बोलते हैं राइट अब जो क्लास रूम की कैविटी है वो बेसिकली स्ट्रोमा है और चेयर जिसके ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं यू कैन इमेजिन के ये इसमें क्या है ग्रेनम अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम लोग इस पर्टिकुलर स्टैक्ड ग्रेनम के अंदर मूव करना चाहेंगे आपको सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन नोन एज मेम्रेन मेम्ब्रेन अब सारी फीचर्स सारी प्रॉपर्टी सारी फोटो सेंथसिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पे बेस कर रही है जिसे हम नाम कह देते हैं थेलेकॉइड मेम्ब्रेन अब हम स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर थेलेकॉइय मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को देखेंगे राइट right? तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपको नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिंगल लेयर थेलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के क्या नजर आ रही हैं डेफिनेटली फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू राइट मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पे कि जो फोटो सिस्टम टू है ये बाद में डिस्कवर हुआ था लेकिन ये पहले आता है हमारी इस पर्टिकुलर स्कीम में जिसे हम लोग जी स्कीम बोलते हैं सो ये फोटो सिस्टम टू है लुक एट दिस इसके साथ अटैच है मेरे पास क्या एक रिएक्शन सेंटर ठीक है इस फोटो सिस्टम के साइडों पे लुक एट दिस ये जो पर्टिकुलर यू कैन से प्लेट और सॉसेज लाइक चीजें मैंने बनवाई हैं these are basically energy gathering cells right and they are very very rich in of course light capturing pigments they may be chlorophyll a it may be chlorophyll b or it may be carotenes it may be xanthophylls zent whatever to ye sari ki sari jo mere paas pigments hain they are here to gather the sunlight अब इनका ये काम तो ये है कि किसी एंटीना की तरह से ये सनलाइट को गैदर कर ले इकट्ठा कर collect कलेक्ट कर ले। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट काम ये है अगर आपने कभी डिश एंटीना को देखा हो तो आपको पता होगा कि डिश एंटीना के ऊपर एक रिसीवर भी लगा हुआ होता है वो सारी की सारी वेव्स लुक एट दिस दिसन कि वो सारी की सारी वेव्स जो इस पर्टिकुलर एंटीना के ऊपर फॉल करती हैं इवेंचुअली वो इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर चली जाती है इसका मतलब ये होगा कि डिश एंटीना के दो काम हुए नंबर वन के उन्होंने उन गैदर करना है और फिर उस पर्टिकुलर वेव को एक जगह पे कन्वर्ज भी करना है सेम इज द केस विद दिस आर्किटेक्चर ऑफ गॉड यहाँ पे भी हमारे पास क्या और इस साइडों पे सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स है जो लाइट को गैदर करेंगे गैदर करने के बाद वो डायरेक्ट भी करेंगे जैसे कि डिशेंट एनर्जी ऐसे ही हो रहा है अब ये एनर्जी चैनलाइज होकर डायरेक्ट होके कहा जा रही है इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर के पास जा रही है इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर के अंदर चीफ चीज क्या है डेफिनेटली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये कब एक्साइट होगा डेफिनेटली जब एनर्जी हमारे सराउंडिंग से आएगी किसने दिया मैंने जी सारे के सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स अब ये एक्साइट हो गई एक्साइट होने के बाद इट इज थ्रोइंग इलेक्ट्रॉन लुक एट दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन अब जब ये लो एनर्जी लेवल पे था तो जाहिर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम थी और जब ने इसको थ्रो किया तो अब इसकी जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है क्या हुई बहुत ज्यादा हाई हो गई मैंने आपको वो कल एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमारे पास एक बहुत फास्ट वगैरह एक श्वेब अख्तर और ब्रेटली तो ये बेसिकली उस फोटो सिस्टम के मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है

अब ये एक चीज मैं आपको एक वक्त समझाता हूँ आप लोगों ने कभी हैमर थ्रो को देखा होगा उस वाले केस में भी हमने एक दोहे की जो बॉल है उसको हम जंजीर से बांध लेते हैं और फिर उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं लुक एट दिस एनिमेशन और हम किसी खास डायरेक्शन में जाने के बाद इस बॉल को हर्डल्ड वे इंट द एयर हवा में छोड़ देते हैं और किसी खास डिस्टेंस पर जाके ये गिर जाती है जब तक ये वाला थीट घूम रहा है उसके अंदर हम क्या भरे एनर्जी भरे एनर्जी भरे एनर्जी भरे जितना ज्यादा एनर्जी इस पर भरी जाएगी उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये बॉल जाके फॉल करेगी तो सेम इज द केस विद दिस रिएक्शन सेंटर ये रिएक्शन सेंटर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करता है और किसी खास डायरेक्शन में इसे छोड़ देता है डायरेक्शन कैसी है लो पोटेंशियल एनर्जी टू हाई पोटेंशियल एनर्जी अब हाई पीई में जाने के बाद इससे किसके पास पहुंच गई है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गई है याद रखें ये सारी की सारी चीजें किस में एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है राइट right? इसके बिल्कुल साथ आप देख रहे हैं तो आप लोगों को नजर आती है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन जिसे हम निकल के नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लुक एट दिस इसके बिल्कुल हमारे पास लाइक कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बिल्कुल में में का मतलब साथ नजर आ रहा है आप लोगों को कौन सा मॉलिक्यूल डेफिनेटली मोलिक्यूलोन और ये जो हमारे पास प्लास्टोन है इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इस इस्ट्रॉनिक सब के नाम मेरे पास क्या सकते हैं और जो साइटोक्रोम बी सिक्स है अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि इसको प्लास्टो अब कि जब जितना एनर्जी मैंने इसको लो लेवल से हाई लेवल में रेस करने में भरी थी वो एनर्जी अब यहां पे लूज हो रही है लुक एट दिस इट इज लूजिंग एनर्जी और जो एनर्जी लूज हुई ये हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट एटीपी कल एक्टर याद कर राइट उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलता कहां पहुंच गया फोटो सिस्टम वन के पास पहुंच गया फोटो सिस्टम वन डिस्कवर पहले हुआ था लेकिन सीक्वेंस में बाद में आता है अब ये जो फोटो सिस्टम वन है अब ये वही काम कर रहा है जो कि था। एकल एकल है। no, bret, bretli, bretli ने किया सेम शेब्तर से कल एग्जाम्पल ब्रेटली है नो ब्रेट द बॉल इज इन हैंड्स ऑफ ब्रेटली एंड ब्रेटली इज ऑलसो डूइंग द सेम थिंग इट इज एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कोट करने के बाद अब फिर बॉल को पिच कर रहा है राइट तो उसने बॉल को पिच किया तो जाहिर है उसकी केई बहुत बढ़ चुकी थी

Few जो मैंने कल डिस्कस की थी आप लोगों के साथ एनएडी को नहीं दे रहा उसने अपनी हैंडरेडनेस को चेंज कर लिया मैंने कल आपको अब यह इलेक्ट्रॉन एन ए डी को नहीं दे रहा एन को नहीं दे रहा बल्कि वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोन को दे रहा अगर इलेक्ट्रॉन फरेडॉक्सिन से बार बार साइटोक्राम बी सिक्स के पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसी पर्टिकुलर एंगल में घूमते रहेंगे तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो बार 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 सेव इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग व्हाट एटीपी, तो इसे हम बोलते हैं राइट? Hand, जो कल किया था, कि अगर एनएडी के, के पास चला गया तो एन ए डी पी के पास अगर चला गया तो एन ए डी पी के ऊपर आ जाएगा डेवलप कर चुका है या हो सकती है किसकी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और जब ये दोनों पास से मिलेंगे तो they will give rise to atom. और जब ये हाइड्रोजन एन एडी पी के साथ एन तो क्या हो जाएगा रिड्यूस तो ये राइट अब हम अग्नि बाग्य लेके चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टी पेज पर प्रेजेंट है लुक एट दस अब दोबारा से हम फोकस कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर किस चीज को थे इस थेलेक्वाइड मेम्ब्रेन के एक बाहर वाली जगह है इसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमा और एक इसके अंदर वाली जगह है डेफिनेटली इट इज द द्स मैट्रिक्स स्पेस कैविटी राइट एक जगह इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर है और इस मेम्ब्रेन के बाहर है माय डियर स्टूडेंट्स ये येक्वाइड मेम्ब्रेन किसी भी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हो राइट right? यानी कि फोल्डेड इनवर्ड और आउटवर्ड व द केस मे बी इसके जो अंदर का लूमन है राइट वो कहा लोकेट कर रहा है डेफिनेटली ग्रेनम के अंदर और इसके जो बाहे वाला एरिया है वो कहा प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर राइट अब आप जरा बात को गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स कि ग्रेनम ही वो जगह है कि जहां पे हम लोगों ने फोटोल ऑफ वाटर कराई थी यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद हेल्प ऑफ सनलाइट और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ था प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस अब देखिए ये जो हाइड्रोजन आइन्स है चूंकि वो कहा ज्यादा हो रहे हैं इनसाइड जाहिर है वो इन साइड ज्यादा है बिकॉज कॉन्स्टेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज बेसिकली अक्यूमुलेटिंग और गैदरिंग वॉट प्रोटोन ऑयन इन साइड जब प्रोटोन ऑइन इन साइड ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा राइट क्या क्रिएट होगा ग्रेडियंट क्रिएट होगा और उसके रिजल्ट में इनसाइड प्रोटोन ऑयंस का पोटेंशियल बढ़ जाएगा अब क्या करें हम लोग क्या इसको यही देते। नेचर ने इस प्रियोग्रेडियंट को बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है उस प्रोसेस के लिए जिसे हम नाम देते हैं फॉस्फोरिलेशन यानी कि हमने ये बात कही थी आपको याद होगा कि सिंपल जब इलेक्ट्रॉन पी क्यू से साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम बी सिक्स से प्लासोसेवन के पास आते तो ए टीपी बनती है मगर ए टीपी बनती कैसे उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है अब सवाल ये कि मैं क्यों बोल रहा बिकॉज कीमिकल्स तो ये केमिकल्स हैं, ये मूव करते हैं हमेशा फ्रॉम ऑरिजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वेयर इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन वेयर इज लो आउटसाइड दीन्स इन द स्ट्रोमा तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, अब ये मूव करेंगे फ्रॉम द ग्रैनम टू द दस्ट्रोमा अब जब ये यहां से यहां move कर रहे हैं तो नेचर ने क्या किया यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करवाया और वो प्रोसेस क्या है कि हमने एडीपी के साथ पी को जोड़ा जब मैं एडीपी के साथ पी को जोड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या बने ए एटीपी अब ये क्या हमारे सेल में कोई ऐसा रिएक्शन है जो भी डाउट हो सकता हो तो आंसर इज नो तो ये जो मॉलिक्यूल ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है इसका नाम क्या है मेरे पास एंजाइम एंड एनजाइम इज कॉड एस ए टी पी सिंथेटेज और ये जो मेरे पास ए टीपी सिंथेटेज है ये एनर्जी लेता है प्रोटोन के पास होने से काम क्या करता है एडीपी और पी आई को जोड़ के क्या नाम देता है ए टी पी तो जब, जब 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 हमारे क्लोरोफिल के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो साथ साथ ही वाटर ब्रेक होगा उससे हमारे पास प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे ये वाले प्रोटॉन्स जब कैमिओसमोसिस के थ्रू एटीपी टीपी सिंथेटेज में से पास होंगे तो एटीपी बनेगी अगली बात इलेक्ट्रॉन किस पासे, किस पास से गुजरेंगे दे विल मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये फिर दोनों अल्टीमेटली कंबाइन हो जाएंगे ऑन द एक्सटीरियर सरफेस बाहर और इवेंचुअली क्या बनाएंगे एन ए डी पी एच टू सो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे लाइट एक्शन का क्या है गेन है तो मैंने क्या गिन किया स्टूडेंट्स नंबर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस हुए इनसाइड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट एनएडीपीएच जो प्रोड्यूस हुए आउटसाइड तो यही है बेसिकली प्रोसेस ऑफ व्हाट कैमियोसिस इसकी फर्दर डिटेल को हम बोर्ड पे अंडरस्टैंड करते हैं लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड यस माय डियर स्टूडेंट्स हम अभी डिस्कस करके आए हैं दोबारा से रीइंफोर्स करना चाह रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट को तो हमने ये बोला था कि ये मेरे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट है ग्रेनम दीज आर ग्रेनम और इनकी जो मेम्ब्रेन है ये वाली इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स थाइलेक्कॉयड मेम्ब्रेन और इस पर्टिकुलर थाइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की जैसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे भी हो सकता है और ये वाली चांस भी हो सकता है कि ये अंदर से कनेक्टेड हो नो प्रॉब्लम एट ऑल आपका जो मेन फोकस है वो ये है स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास थे मेम्ब्रेन है इसकी दो सरफेसेस हैं एक ये वाली और एक ये वाली बिकॉज कि आप लोग पढ़ के आए हैं वॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको पता है कि हमारे पास इस तरह की बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड थी और उसके अंदर एम्बेडेड होती है डिफरेंट किस्म की चीजें राइट right. अब हमारा फोकस किस बात के ऊपर है कि कैमी किस कैसे हो रही है तो मैंने आपसे ही जिक्र किया था स्टूडेंट्स अभी कि हम बेसिकली वाटर को चलिए हम एक एक पर्टिकुलर ग्रैनम को बड़ा कर लेते हैं जब मैंने इसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर लिया स्टूडेंट्स तो मुझे क्या नजर आया कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की दो सर्फेसिस हैं ये दो मेमब्रेन नहीं हैं ये मेम्ब्रेन एक ही है इसकी दो सर्फेस है एक इनर और एक आउटर अब ये जो मेरे पास इनर सरफेस है स्टूडेंट्स ये कहाँ खुल रही है टू द लूमन ऑफ वाट ग्रेनम और ये जो बाया वाली सर्फेस है ये किस में ओपन हो रही है, है स्टूडेंट्स ट्रोमा में ये हमने डिस्कस किया था अभी और इसके बाहर ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सो नेवर कन्फ्यूज दीज थिंग्स टुगेदर कि ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है ये थैलेक्ड मेम्ब्रेन नहीं है ये आम प्लाज्मा मेमब्रेन और फिर उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है और ये भी याद आदग, आप याद रखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन थी ये दो मेम्ब्रेन नंबर नंबर मेम्ब्रेन ये बात हो रही है किस चीज की ट्रोडोप्लास्ट की अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेनम की तो ग्रेनम सिंगल मेम्ब्रेन मॉडल स्ट्रक्चर है अब मैं उस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के दो सर्फेसेस की बात कर रहा हूँ एक ऊपर वाली सर्फेस और एक अंदर वाली सर्फेस राइट इस अंदर वाली सर्फेस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं फोटोलसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं जब मैं वाटर को ब्रेक डाउन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ वॉट सनलाइट जब सनलाइट आके इस पे फॉल होगी स्टूडेंट्स तो उसके रिजल्ट में क्या क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स तीन चीजें वन ऑफ दम इज एच प्लस यानी के प्रोटॉन्स नंबर और हाइड्रोजन आयंस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ओ टू राइट right? और अगर मैं यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर दूं तो जाहिर है अब यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे चार ही प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल कर दूं तो चार प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे चार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे और जाहिर है मेरे पास एक कम्प्लीट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे उतने ज्यादा प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे और उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से मूव करेंगे स्टूडेंट्स ये आपको याद है हमने जी स्कीम ड्रॉ की थी यहाँ पे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस जी स्कीम के थ्रू मीन फोटो सिस्टम वन से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फोटो सिस्टम वन में आ जाएंगे और फोटो सिस्टम वन से आने के बाद दे विल सेंड टू द अनदर इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर और फिर या तो वो मूव करेंगे नॉन साइक्लिक वे में और या फिर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में क्या जनरेट करवाएंगे तो ये तो मूवमेंट हुई कि हमारे इलेक्ट्रॉन लेकिन ये जो प्रोटॉन्स हैं या जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं इसका क्या बनेगा ये वाले हाइड्रोजन आयन जो कि इस वक्त अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है और स्ट्रोमा में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में है ये अब इस पर्टिकुलर डिवाइस में से गुजरेंगे जैसे कि आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है इस पर्टिकुलर चैनल में से गुजरेंगे और जब यहां से गुजरेंगे स्टूडेंट्स तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इनकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और ये इस कोर्स में इस सफर में क्या करवाएंगे आपको याद है रेशम ने क्या बोला था कि ए डी पी और पी आई को बनवाएंगे राइट और ए डी पी पी आई जब इसमें से गुजरेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ए टी पी पी बना स्टूडेंट्स और प्लस हमारे पास क्या बात हुई कि जाहिर है ये वाले हाइड्रोजन आइन बाहर निकल गए अब ये वाले हाइड्रोजन आइन जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है इन हायर कॉन्सेंट्रेशन नाउ दे विल बी सेंट ओवर हियर आपको याद है वो यहां पहुंच जाएंगे यहां से हमारे पास क्या प्रेजेंट था यहाँ पे प्रेजेंट था हमारे पास एन ए डी पी कैसा एनआरडीपी स्टूडेंट्स क्योंकि इनके पास वो इलेक्ट्रॉन आ गए अब इस नेगेटिव रिचार्ज एनआरडीपी के पास जब ये वाले हाइड्रोजन पहुंचेंगे तो ये वाले हाइड्रोजन आइन्स इसको किस में कन्वर्ट करवा देंगे एन ए डी पी एच टू में कन्वर्ट करवा देंगे तो ये वाला हाँ, ये जो हाइड्रोजन बाहर एक्सपोर्ट हुआ है वो भी विदाउट लॉजिक नहीं है उससे बेसिकली हम लोगों ने एक और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनवाना है

अगर आप थोड़ी सी और अच्छी बुक पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि जब हमारे वेसिनिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स प्रोटोन्यूमुलेट हो जाते हैं तो फिर इन पर्टिकुलर ऑइंस को फर्दर बेटर वे में यूज किया जा सकता है इसको कौन इम्पोर्ट करेगा ताकि अंदर हाइड्रोजन पोटेंशियल मजीद बढ़ सकता हो तो आंसर है यहाँ पे प्रेजेंट एक साइटोक्रोम जिसका नाम था साइटोक्रोम बी सिक्स अब ये वाला साइटोक्रोम बी सिक्स इन एक्सेसिवलीटेड प्रोटोन आइन को भी इनफ्लक्स कर सकता है अंदर भेज सकता है राइट right? जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करे थे तो प्रोटोन मूव करके इनवर्ट जब प्रोटोन यहां से इन्वर्ट मूव करेंगे तो जाहिर है फर्दर पोटेंशियल फर्दर केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोटोन विल इंक्रीज और जब वो ज्यादा यहां से बाहर मूव करेंगे तो ज़ाहिर है ज्यादा ए बनेगी इस तरीके से ए की फॉर्मेशन और एन ए डी पी एस टू की फॉर्मेशन एक बैठे चलते रहते हैं और नेचर की क्वान्टिटी कंट्रोल करती है थ्रू डेफिनेटली इंटरनल सेल सिग्नल लेकिन एनी हाउ जिस प्रोसेस से हम लोगों ने ए बनाई है चाहे वो साइक्लिक वे था या नॉन साइक्लिक वे था इट इज कॉल्ड एज वॉट कैमी ऑसमोस तो ये थी डिटेल जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करना था रिगार्डिंग कैम आई मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए यहां इसमें मैमब्रेन भी इन्वॉल्व है और नंबर टू ये मैंने रीजन दे रहा हूँ इसकी तो इसमें मेमब्रेन इन्वॉल्व है और नंबर टू जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं राइट बैठिए स्टूडेंट्स सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड टॉपिक और अगले लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे अगले टॉपिक में टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय अल्लाह हाफिज़